यूपी में भले ही अवैध शराब पीकर लोगों की मौतें हो रही हैं, उन सब के बावजूद अवैध शराब का कारोबार प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने डीसीएम से भरी हरियाणा की अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डीसीएम का पीछा किया तो डीसीएम पलट गई और लाखों की शराब पुलिस के हत्थे चढ़ गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि एक टाटा 207 गाड़ी है, जिसमें अवैध रूप से शराब जा रही है। इस सूचना पर उन्होंने घेराबंदी की अपने फोर्स को लगा करके, तो टाटा सुमो के ड्राइवर गाड़ी को भगाने लगा। उसमें एक और आदमी था। दोनों लोगों ने जब गाड़ी भगाई तो गाड़ी आगे जाके स्लो करके पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद वो दोनों लोग तो भाग गए, लेकिन उस गाड़ी से काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जो कि हरियाणा ब्रांड की बताई गई है। इसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है कि कहां से कहां जा रही थी और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या मकसद था इसका। मुकदमा इस संबंध में थाना कलान पर पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।